नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार या नव जागरण काल क्यों कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में तथा यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में 1850 से 1900 तक चला है। दोस्तों, भारतेंदु युग आधुनिक काल की एक प्रथम शाखा है। दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतेंदु युग के कवियों की कविता में देशोद्धार यानी कि देश के उद्धार की बात, राष्ट्र प्रेम की बात, अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। दोस्तों, यानी दोस्तों उस समय हमारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे देश की धर्म संस्कृति, तीज त्योहार, रीति रिवाज, आचार विचार, यहाँ तक कि भाषा को कुचलकर रख दिया और उन्होंने अंग्रेजी संस्कृति का चहुं ओर प्रचार प्रसार किया। तो इसकी टीस भारतेंदु युग के कवियों में व लेखकों में साफ साफ देखी जा सकती है। इसलिए इन्होंने कविता रूपी बाण को अपने कविता रूपी धनुष को अपने कंधे पर रख लिया और देश के नवयुवक तथा नवयुवतियों को जगाने में लग गए। तो इन्होंने बताया कि जागो, आपके द्वारा ही देश का उद्धार हो सकता है, राष्ट्र प्रेम को पहचानो, इन अंग्रेजों ने, इन गोरों ने पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर दिया है, कहां गया आपके अंदर का राष्ट्र प्रेम। अतीत गरिमा यानी कि इन्होंने पौराणिकता के माध्यम से, ऐतिहासिकता के माध्यम से देश के लोगों को जगाया, अर्थात राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से, पृथ्वीराज चौहान के माध्यम से आदि के माध्यम से इन्होंने लोगों को जगाया। विषयों की ओर ध्यान दिया गया, कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता के स्वर मुखरित हैं, यानी कि भारतेंदु के कवियों और लेखकों की वाणी में राष्ट्रीयता का समावेश देखने को मिलता है। सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों का समावेश है। यानी कि दोस्तों इस युग के कवियों की कविताओं को जब आप पढ़ोगे तो उसमें सांस्कृतिक की झलक आपको देखने को मिलेगी। राजनीतिक यानी कि उस समय हमारे देश की राजनीति बदल रही थी, एक अलग ही मोड़ ले रही थी। जो चाणक्य की नीति थी वो तो कहीं लुप्त ही हो गई थी। एक अंग्रेजों रूपी, एक विदेशी, एक पाश्चात्य राजनीति का प्रवेश इस देश में हो रहा था। एवं सामाजिक आंदोलन, समाज टूटता जा रहा था, ठीक है, नारी कुचली जा रही थी, नारियों का अपहरण शोषण अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था, समाज में छुआछूत की आंदोलन, छुआछूत की भावना थी, के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना का समावेश किया गया। दोस्तों यानी कि इस काल में नारी के उद्धार की भावना देखने को मिलती है, सती प्रथा का विरोध देखने को मिलता है, बाल विवाह का विरोध देखने को मिलता है, विधवा पुनर्विवाह यानी कि उन्होंने बोला जो स्त्री विधवा हो जाती है वो पुनर्विवाह की हकदार होती है, यानी कि उसका दूसरा विवाह होना चाहिए ताकि उसको विधवा की आड़ में, विधवा प्रथा की आड़ में कोई दूसरा उसके शरीर का शोषण न कर सके। फिर समाज में सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्तियों को गोरों से लड़ाई करना चाहिए, इस प्रकार की बातें करी गई। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों इसी कारण हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस काल में खड़ी बोली व गद्य की विधाओं का विकास हुआ, यानी कि इस काल में खड़ी बोली प्रारंभ हो गई। कई सारे कवियों ने ब्रजभाषा को त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया और इस काल में गद्य की विधाओं का चहुं ओर विकास हुआ। गद्य की जैसे कि निबंध, एकांकी, नाटक, यानी कि जो कवि थे दोस्तों कविताओं के माध्यम से लोगों को तो जगा ही रहे थे, साथ में नाटक के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, क्योंकि इस काल में कविताओं को पढ़ना कठिन हो गया था, कविताओं की भाषा बहुत सारे जो लोग थे उनको समझ में नहीं आती थी, तो इनने कठिन से सरलता की ओर गमन किया, अर्थात जो गद्य की भाषा होती है वो सरल होती है, तो सरल भाषा के माध्यम से लोगों को जगाया। तो देश प्रेम की भावना इसमें देखने को मिलती है, फिर वो सामाजिक आंदोलन इसमें देखने को मिलता है, फिर संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध देखने को मिलता है, नारी का उत्थान देखने को मिलता है,
इसीलिए इस काल को नव जागरण काल कहा गया और हिंदी का प्रवेश द्वार कहा गया। नव जागरण मतलब जो नए नए लोग हैं देश के, जो नव युवतियां हैं, जो नव युवक हैं, वो देश के नाम को ही भूल गए, देश की संस्कृति को ही भूल गए, देश के देवताओं को ही भूल गए, उनको जगाने के लिए इस प्रकार के निबंध, नाटक और काव्य लिखे गए। धन्यवाद दोस्तों।